हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पर झारखंड जीके के 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड नॉइज़ भी आ सकता है क्योंकि मैं अभी कॉलेज में हूँ और अभी क्लास नहीं हो रही है, तो मुझे लगा कि अभी वीडियो को रिकॉर्ड किया जाए, है ना। इसलिए आप जो अभी देख रहे हैं ये मैं कॉलेज से ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। स्टार्ट करेंगे, 40 क्वेश्चंस हैं और जल्दी से हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के 22 जिलों के कितने प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। वर्ष 2022 में मानसून का आगमन विलंब से फसल अच्छादान में कमी होने के कारण किया गया है। 22 तो नहीं, यहाँ पर 24 जिलों में से, है ना। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है 226। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, जो यहाँ पर मैचिंग नहीं है, करेक्ट नहीं किया गया है, वो हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना, ये एक स्कीम है, इसका लाभ उन कृषक परिवारों को दी जाएगी जो, ऑप्शंस हैं, अच्छे से रीड कर लेते हैं और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से पढ़िएगा, ओके। सुखाड़ से प्रभावित वैसे कृषक जो कि जीविकोपार्जन हेतु मुख्यतः कृषि पर निर्भर हैं तथा उनके द्वारा वर्ष 2022 की खरीफ में बुआई नहीं की गई हो, परंतु पारंपरिक रूप से पूर्व में ऐसे कृषक बुआई का कार्य करते रहे हों, है ना। नेक्स्ट है, सुखाड़ से प्रभावित कृषक जीविकोपार्जन हेतु मुख्यतः कृषि पर निर्भर हैं तथा जिनकी फसल 33% से अधिक क्षति हुई हो, और भूमिहीन कृषक मजदूर जिनकी कृषि आधारित आजीविका का साधन सुखाड़ से प्रभावित हुआ हो। तो मैं आपको यहाँ पर यही बोलूँगी कि इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार अपने से इसको पढ़ लेना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी स्टेटमेंट जो है करेक्ट हैं। देवनागरी लिपि में लिखी गई प्रथम संथाली कथा संग्रह कुकमू जो है किसकी रचना है। ऑप्शंस को रीड नहीं करेंगे, अधिक टाइम नहीं लेना है, यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस पर ही फोकस करेंगे ना। अभी 28 जनवरी को और 4 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है, तो अभी आप लोग को भी मैं यही बोलूँगी कि आप लोग प्रैक्टिस पर फोकस कीजिए जितना हो सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बालकिशोर वासु। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार की घोषणा के तहत स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन राशि 3000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो इसे 3000 से बढ़ा करके 5000 कर दिया गया है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लातेहार जिला किस जिले से अलग होकर नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया है। लातेहार जिला कौन से प्रमंडल में है, तो ये पलामू प्रमंडल के अंतर्गत में आता है। तो कौन से जिले का ये अस्तित्व रहा है पहले और ये अलग जिला के रूप में अस्तित्व में आया है, तो राइट आंसर हमारा होगा ये पलामू जिला में। और अगर आपको पूछेगा कि पलामू का किला जो है वो कहाँ पर है, तो पलामू किला लातेहार में अभी पड़ता है ना, तो लातेहार आपका राइट आंसर वहाँ पर होगा। और लातेहार जिले की जो स्थापना है ये 4 अप्रैल 2001 में, यानी कि राज्य गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था, इसके बाद में लातेहार जिला का गठन किया गया। और इसका हेड क्वार्टर्स कहाँ पर है, तो ये भी लातेहार में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाचा के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो चाचा के नाम से हम लोग यहाँ ऑप्शन बी बसंत कुमार तिर्की को जानते हैं। झारखंड क्षेत्र के किस आंदोलन से जत्रा उराव संबंधित हैं। जत्रा उराव जो है इनका संबंध कौन से आंदोलन से है, तो इनका आंदोलन जो है ना ताना भगत आंदोलन से है। और जत्रा भगत को गिरफ्तार करने के पश्चात कहाँ पर रखा गया था, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो रांची के जेल में इनको रखा गया था। और ये जो ताना है ना, जैसे कि जत्रा भगत यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक ताना भगत जो आंदोलन हुआ था उनसे जत्रा भगत संबंधित है। और ताना जो वर्ड है, शब्द है, ये उरांव जनजाति से रिलेटेड है, यानी कि उरांव जनजाति की शाखा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताना भगत आंदोलन। और ताना जो है ना ये उरांव जनजाति की एक शाखा है। नेक्स्ट है, इस साइड में खनिज दिए हुए हैं और संबंधित रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है। तो कोयला जो है पश्चिम सिंहभूम में पाया जाता है, बोल रहे जो कि गलत है यहाँ पर, तो हमें सही मैचिंग करना होगा, है ना।
कोयला जो है ना ये पाया जाता है धनबाद में, यहीं पे मैच कर लेते हैं, कोयला धनबाद में, लोह अयस्क सबसे अधिक पश्चिम सिंहभूम में, अभ्रक सबसे अधिक कोडरमा में और बॉक्साइट सबसे अधिक लोहरदगा में पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, 4 का 3 ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, कौन सा आर्टिकल के तहत में किया जाता है राज्य विधानसभा का गठन। करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 170, आर्टिकल 170 के तहत में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावालौंग मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा, लावालौंग जो मेला है इसका आयोजन किया जाता है कोडरमा में, कोडरमा जिला में, और ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है और कोडरमा जिला को हजारीबाग से अलग करके 10 अप्रैल 1994 को बनाया गया है। जो भी मैं आपको ऑरली बताती हूँ उसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आफ्टर द क्लास उसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद रह जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड का कौन सा जिला राज्य के लोह अयस्क उत्पादन के लगभग 100% के साथ राज्य का सबसे बड़ा लोह अयस्क उत्पादक है, तो वो कौन सा जिला होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, पश्चिमी सिंहभूम, और झारखंड राज्य के 24 जिले हैं, 24 में से पश्चिमी सिंहभूम जो है ना सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट है, झारखंड में आदिवासी के सरहुल उत्सव के दौरान डेस पूजा की जाती है, सरहुल जो पर्व होता है इसके दौरान हम किसकी पूजा करते हैं यहाँ पर, साल वृक्ष की, है ना, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। और साल वृक्ष झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष भी है, इसको सोरिया रोबस्टा शायद इसका बॉटनिकल नेम है, और एक बार आप लोग देख लीजिएगा। और इस क्लास मतलब ये जो सीरीज चल रहा था झारखंड जीके वाला उसमें भी मैं आपको कई बार बताई हूँ, तो आप लोग विजिट करते रहिएगा चैनल पर, पता लग जाएगा। ओके, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 34वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन और समापन समारोह डेस पर आयोजित किया गया, कहाँ पर ये आयोजित किया गया था। राइट आंसर होगा JSCA यानी कि झारखंड स्टेट्स क्रिकेट एसोसिएशन में किया गया था, बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में। नेक्स्ट है, पहाड़ी दूध ढेलकी किस जनजाति की शाखाएं हैं, तो खड़िया जनजाति है, इसकी शाखा है पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी यहाँ पर होगा, तो ढेलकी खड़िया, ये तीनों जो है खड़िया जनजाति की शाखाएं हैं। भक्ता पर्व डेस में मनाया जाता है, कहाँ पर मनाया जाता है ये, तो सरना मंदिर में भक्ता पर्व को मनाया जाता है। झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, याद रखना है नलकूप के द्वारा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी दिया हुआ है, तो लोहरदगा में सबसे अधिक नलकूप के द्वारा यहाँ पर सिंचाई की जाती है। ओके, और इसके अलावा अगर पूछेगा ना कि नलकूप द्वारा सबसे कम सिंचाई कहाँ पर किया जाता है, तो देवघर जिले में सबसे कम सिंचाई की जाती है। और अगर यहाँ पर लोहरदगा है, इसके बाद अगर ऑप्शन में लोहरदगा ना रहे तो आप लोग पलामू कर सकते हैं। किस चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है, धात्विक खनिज का भंडार हम किसे कहेंगे, धारवाड़ युगीन चट्टान को। समुद्री स्तर से बोकारो जिले की औसत ऊंचाई क्या होगी, करेक्ट आंसर हमारा होगा 129 का ऑप्शन सी, 210 मीटर होगा। और इस जिले की स्थापना की गई थी, कौन सा जिला यहाँ पर, बोकारो जिले की बात की गई है, 1951 में धनबाद जिले से अलग करके इस जिले को बनाया गया था। देखो धनबाद जिले का 2 प्रखंड को और गिरिडीह से 6 प्रखंड को मिला करके बोकारो जिला का गठन किया गया था, यानी कि 8 जिलों को, है ना, धनबाद के 2 और गिरिडीह के 6 जिले को। और कुल अगर क्षेत्रफल एरिया हम इसका देखें तो 2883 किलोमीटर स्क्वायर बोकारो जिले का ये क्षेत्रफल है। ग्राम न्यायालय में कितने सरपंच और न्यायपालिका हैं, राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन सी जो कि है 8। नेक्स्ट है, भारत ने ओलंपिक्स में अपना पहला स्वर्ण पदक जो है किस वर्ष जीता है, ओलंपिक्स में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता है। राइट आंसर हमारा होगा ये 1928 में जीता गया था, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। भारतीय हॉकी टीम ने हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था और जयपाल सिंह की कप्तानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री लाडली योजना किनके लिए है, बीपीएल कन्याओं के लिए जो है ना मुख्यमंत्री लाडली
ये स्कीम है बीपीएल कन्याओं के लिए है और इसकी शुरुआत की गई थी 15 नवंबर 2011 को। और इसका उद्देश्य अगर हम देखें, ये जो मुख्यमंत्री लाडली योजना है इसका मेन पर्पस ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो गरीबी रेखा से जो नीचे हैं यानी कि बीपीएल से जो नीचे हैं जीवन यापन कर रहे परिवारों की बालिकाओं का पालन पोषण एवं शिक्षा सुनिश्चित करना ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। किसका? तो मुख्यमंत्री लाडली योजना का। छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये कई बार यहाँ पर रिपीट हुआ है, तो ये जो मंदिर है रजरप्पा, और रजरप्पा कहाँ पर है, तो रामगढ़ जिले में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में प्रथम टोंबा विगलन केंद्र कहाँ है। टोंबा तो नहीं होगा, यहाँ पर तांबा होगा ना, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ये होगा इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन फर्स्ट घाटशिला होगा। नेक्स्ट है, कौन सा कबीला संयुक्त परिवार की बंद टोली कहलाता है। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी गोंड। नेक्स्ट है, झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग कब स्थापित किया गया था। 136 का राइट आंसर 1937, और कहें कि 1938 यहाँ पर आंसर की में दिया हुआ है, और कहें कि ना आपको देखने को मिलेगा 1937 है ना, और रांची के निकट मुरी एक जगह है यहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। और जहाँ भी कंफ्यूजिंग टाइप से लगे ना वहाँ मैं आपको बोल दूँगी, और आप एक बार खुद से भी चेक कर लेना कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। निम्न में से किसने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा गया है इसमें भाग लिया था, वो कौन से हैं। राइट आंसर होगा शेख भिखारी ने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम जो कि 1857 में इन्होंने भाग लिया था, और इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। 6 जनवरी 1858 को इनको गिरफ्तार करके 8 जनवरी 1858 को ही एक घाटी है चूटूपाल घाटी, वहाँ पर इनको फांसी दे दी गई थी। तो शेख भिखारी को कहाँ पर फांसी दे गई थी, चूटूपाल घाटी है यहाँ पर इनको फांसी दे गई थी 1858 में ही। 6 जनवरी को इनको गिरफ्तार कर लिया गया था 1858 को, और उसके दो दिन बाद 8 जनवरी को इनको फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बोकारो में स्थित नहीं है। कौन सा स्थित नहीं है, नहीं पर यहाँ पर स्ट्रेस है, एम्फेसिस डाला गया है, तो आपको जब आप क्वेश्चन को करते हैं ना तब आपको क्वेश्चन भी सही से पढ़ना होगा, है ना। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट पंचेत हाइड्रो पावर स्टेशन जो है ये बोकारो जिले में स्थित नहीं है, तो ये स्थित कहाँ पर है, धनबाद जिले में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर, रांची, बोकारो, धनबाद या फिर जमशेदपुर। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी धनबाद में है, और स्थापना किया गया था 1946 में। अगला हमारा प्रश्न है, 29 दिसंबर 2019 को हेमंत सोरेन ने झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, वे राज्य के कौन से मुख्यमंत्री हैं, कौन से नंबर के हैं, इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर करना। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर क्षेत्र के पहले क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों से संघर्ष करने के दौरान शहीद हुए थे। छोटा नागपुर क्षेत्र के पहले क्रांतिकारी कौन थे, राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी बुद्धू भगत थे, और ये पहले क्रांतिकारी थे, और 14 फरवरी 1832 ईस्वी को कप्तान इम्पे के नेतृत्व में अंग्रेज सैनिकों के खिलाफ लड़ते हुए ये शहीद हो गए थे 14 फरवरी 1832 को। नेक्स्ट है, मुंडा का कौन सा उत्सव सरहुल कहलाता है, देसाई, कर्मा, बापर्व या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मुंडा का जो बाप पर्व है ना, बाप पर्व उत्सव, इसको ये लोग सरहुल कहते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। झारखंड के किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है। यूरेनियम के लिए फेमस है ये घाटशिला, कहाँ गया, ऑप्शन डी घाटशिला, और ये कहाँ पर पड़ता है, तो ईस्ट सिंहभूम में पड़ता है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर की आदिवासी क्रांति कब हुई थी, आदिवासी क्रांति कब हुआ था वो हमें बताना है। राइट आंसर होगा 1858 और इसको क्या पढ़ते हैं 1859 में। नेक्स्ट है, सरायकेला की मिट्टी किसकी लय के साथ जीवंत है। जब भी सरायकेला आपको दिखे और छऊ नृत्य दिखे तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अधिक क्वेश्चंस नहीं है यहाँ पर,
कहाँ गया क्वेश्चन, जावा उत्सव किनके द्वारा मनाया जाता है? जावा उत्सव जो है ना अविवाहित कन्याओं के द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, सी होगा या फिर, अच्छा जावा उत्सव बोला है तो ये ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, और कर्मा उत्सव जो है वो अविवाहित कन्याएं इनको करती हैं। किस खदान से टिस्को को लौह अयस्क की आपूर्ति की जाती है? किस टिस्को को कौन से खदान से लौह अयस्क की आपूर्ति यहाँ पर की जाती है? करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी नोआमुंडी से, और ये कहाँ पर पड़ता है तो वेस्ट सिंहभूम में पड़ता है नोआमुंडी। बाल गरीब समृद्धि योजना किनके लिए है? ये जो स्कीम है ये है माता और नवजात शिशु के लिए। निम्न में से किस रूप में मुंडा की प्रसिद्ध कहानी सोसो बग्गा है? करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी गीत के रूप में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? CNT ये हुआ था 1908 में लागू किया गया था। एक बार आप लोग स्कोर अपना कमेंट सेक्शन में बता देंगे और इस सेशन को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे, ओके। और मैं ट्राई करूँगी, मेरे पास दो प्रैक्टिस सेट्स हैं तो मैं ट्राई करूँगी कि आप तक एग्ज़ाम से पहले वो मैं पहुँचा दूँ, ठीक है। मेरा यही पर्पस है कि जो मेरे पास है, आपके पास अगर बुक नहीं है तो आपको यहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो सके, यही मेरा पर्पस है और मैं ट्राई करूँगी कि आप तक पहुँचे, ओके। और सेशन को शेयर कर देना, लाइक करते हुए जाना।